अस्सलामुअलैकुम मेम्बर्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, alihealthandherb.com के नाम से मेरी अपनी वेबसाइट है। इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज भी, यूट्यूब चैनल भी। आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते, लाइक कर सकते, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको कौन सा नुस्खा जात के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह आपको 110% एक्यूरेट जो है नुस्खा जात ला के दूँगा, और जिनका पॉजिटिव रिज़ल्ट भी होगा इंशाल्लाह। अगर कुछ भैया ने कहा था कि आपके सर कुछ वीडियोस जो है नहीं मिल रही हैं, लेकिन मैंने अब जो है ना सारी वीडियोस अपनी वेबसाइट के ऊपर कंबाइन कर ली हैं। जो जो वीडियोस थी मेरी, ओल्ड वीडियोस थी, और जो न्यू वीडियोस हैं वो भी मैं डालता जा रहा हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो आप काइंडली जो है, अगर आपको नहीं मिली है, तो आप मेरी वेबसाइट जो है alihealthandherb.com को जो है विज़िट कर लें। आपको जो चीज़ नहीं मिल रही यूट्यूब पर, आप वहाँ से ले सकते हैं। टॉपिक वाइज जो है ना, मैंने वहाँ पर अपलोड कर दी हुई है। और दूसरा ये था कि मुझे काफ़ी दिनों से जो है कमेंट्स आ रहे थे और मेल्स भी आ रही थी, कुछ जो हैं ऐसी समझने का। ये टॉपिक मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा जो शेयर किया है नफ्स के हवाले से, तो अभी जो है दोबारा से मैं जो है बताना चाहता हूँ कि मुझे काफ़ी भाइयों की जो है मेल आई और बताया उन्होंने कि नफ्स के हवाले से, सर आप हमें बताएं जो सांडे का तेल है, इसका क्या जो है वो फायदियत है या क्या इसका नुकसान है। जो भी है कि हमने काफ़ी भाइयों ने जो है सांडे का तेल जो यूज़ किया, उनको फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं जी ये शायद दो नंबर है, सांडे का कोई फ़ायदा नहीं होता बेसिकली। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ आज के मेरी जो वीडियो है वो ख़ास इसी तौर पे है कि सांडे के तेल के हवाले से है, कि जो सांडे का तेल है वो क्यों जो है आप लोगों को फ़ायदा नहीं देता या क्या नुकसान है। जो भी है मैं अब आपको वीडियो में बताता हूँ। देखिए, बात यह है कि सांडे का जो तेल है, अगर तो खालस है, प्योर है, तो ये एक तो आपके नफ्स की मोटाई में भी काफ़ी इजाफा करता है, और उसके अलावा जो है आपका नस जो है साइज़ में भी काफ़ी ये इंक्रीमेंट पैदा करता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो तेल ले रहे हैं या जो आप तेल यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह का है या कहाँ से आपने जो है लिया हुआ। काफ़ी मैंने बताया सर, ये जो शोबदाबाज बैठे होते हैं यहाँ पे, जो अलग अलग जगहों पे जो ये सांडे का तेल जो है सेल कर रहे होते हैं, सामने उन्हें रखा होता है, उसके बाद वहीं पे जो है काटते हैं, साफ़ करते हैं, और उसके बाद उसको जला के बंद करके जो है तेल निकालते हैं, निकाल के जो है शीशों में भर भर के जो है देते हैं। देखिए, बात यह है कि उसमें वो करते क्या हैं, वो असल में पूरे सांडे को जला लेते हैं और साथ उसकी अंतरियां वगैरह सब कुछ जो है ना वो एक जगह कंबाइन करते हैं। देखिए, जहाँ पे काम है चर्बी का, वहाँ वो पूरे सांडे को जला लेते हैं, तो उसमें पानी भी होता है, काफ़ी अदर मिनरल्स भी आ जाते हैं। लेकिन अगर तो आपको सांडे का तेल एक नंबर चाहिए, तो आप ख़ुद जब उसको करवाएं तो उसमें ये नोट कीजिएगा कि वो आपको सिर्फ चर्बी दे सांडे की, और या साथ उसके तिली ले लें सांडे की, जिससे जो है तेल निकले। वो होगा तो थोड़ा सा, लेकिन जो उसका फ़ायदा होगा और जो उसकी कहते हैं ना कैपेसिटी होगी वर्क करने की, वो जो है पूरे सांडे से बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, इसीलिए जो है वो लोग आपको क्या करते हैं कि आपको जो है तेल ज़्यादा दिखाने के लिए, देने के लिए जो है उसमें ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद जो है वो आपको देते हैं कि जी ये ले सांडे का तेल है, प्योर सांडे का तेल आपके सामने निकाला। इस तरह नहीं होता है। जो कि हम हिकमत में जो यूज़ करते हैं वो चीज़ जो है वो इसी चीज़ का होता है कि सांडे की जो चर्बी है उसका तेल और उसकी तिली का तेल जो है वो हम यूज़ करते हैं, वही जो है आपको फ़ायदा देता है। वरना पूरा सांडे में तो काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, पानी भी आ जाता है, तो वो आपको फ़ायदा नहीं देता बल्कि नुकसान देता है। फिर वो क्या करते हैं, उसमें जो है कुछ अलग से जो है ना पाउडर या कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं या कुछ ऐसे तेल उनके पास होते हैं जो वो ऐड कर देते हैं। वो कहते हैं ये प्योर सांडे का तेल है, आपके नफ्स के ऊपर जो छाले निकलेंगे, छाले फटेंगे, इस तरह से काफ़ी मीटू से कि काफ़ी जो है शोबदाबाज इस तरह की जो है ना बातें करते हैं, सिर्फ क्या तेल बेचने की खातिर। तो अगर तो आप चाहते हैं कि आप इसको यूज़ करें, तो इसका जो रिज़ल्ट है वैसे तो 110% है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जो है तेल निकलवाते हैं, लेते हैं। बेसिकली अगर तो आप, क्योंकि कुछ कह सकता नहीं मैं ये बात भी कि आप जो है जंगल में से जाके तो स्पेशली सांडा पकड़ें और उसको इस तरह करें, तो उसको जो है ज़िबा करके, तो इस तरह करके,
तेल निकालें, लेकिन जो चीज़ आपके सामने है कम से कम उसमें से जो है ना जो चीज़ें आपको चाहिए वो यही चीज़ है कि सांडे की जो चर्बी है उसका जो तेल है वो यूज़ किया करें, वही जो है आपको फ़ायदा देगा। और बाकी ये है कि आप जब इसको इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल करने के तरीक़ाकार तो काफ़ी सारे मैंने आपको बताए भी हैं और मैं आपको बता भी देता हूँ, फिर भी बता देते हैं तो दोबारा थोड़ा सा इस वीडियो में, कि पहले तो जाहिर बात है कि आप खाली संडे के तेल अगर यूज़ करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो जिस चीज़ के लिए या जिस मकसद का यूज़ करने लगे हैं तो उसकी अगर पिच नहीं बनी हुई है तो उसके ऊपर वर्क करने का फ़ायदा कोई नहीं है। क्योंकि देखें कि आपकी जो रगें हैं नफ्स की वो बहुत हद तक अगर डैमेज हो चुकी हैं, नफ्स आपका टेढ़ा है, साइज़ में छोटा है, कई क्योंकि नौजवान लोग जो हैं वो इस तरह इसको यूज़ करते हैं सांडे के तेल को, क्योंकि वो काफ़ी हैंड प्रैक्टिस करते हैं, दिन में चार चार पाँच पाँच दफ़ा हैंड प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पहले तो आप हैंड प्रैक्टिस को छोड़ दें और उसके बाद जो है इसको अपनाएं तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इसमें यह है कि आपने करना क्या है कि जो तरीकाकार है तेल को इस्तेमाल करने का, पहले आप जो है इसकी ठकोरे वगैरह करें, ठीक है, 7 से 10 दिन जो है इसकी ठकोरे करें। टकोरों का भी जो है तरीका मैंने बताया था, अभी और टकोरे जो है नई टकोरे आएंगी मैं इंशाल्लाह वो भी आपको बता दूंगा, वो आप देखें मेरे टकोरों वाली जो वीडियोज़ हैं, तो टकोर करने का जो मैंने तरीकाकार बताया वो पहले आप नफ्स की पहले अच्छी तरह से आधा घंटा घंटा जो है कम से कम आधा घंटा जो है नफ्स की पहले टकोर करें। टकोर से ये होगा कि जो आपकी रगे हैं जो डेड रगे हैं कम से कम उनमें थोड़ी सी हरकत पैदा होगी, मूवमेंट होगी, तभी जो है उसके ऊपर आप जब तेल लगाएंगे तो असर करेगी, वरना वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप तेल लगाइए, वो कहते हैं ना कि ज़ख़म के ऊपर अगर छिलका हो और नीचे ज़ख़म के अंदर पाक पड़ी हुई हो तो आप ज़ख़म के ऊपर जितना मर्ज़ी आप क्रीम लगाएं एंटीसेप्टिक लगाएं वो ऊपर ऊपर से ठीक होता जाता है लेकिन अंदर से, ठीक है, इसी तरह ही जो है इसका भी है कि पहले आप थोड़ा सा पहले रगों को पहले ठीक करें, रगें आपके ठीक हो जाए अंदर से, खून का प्रेशर ठीक हो जाए, उसके बाद जो है आप दूसरी वर्किंग करें तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। उसमें यह है कि पहले आप टकोर वगैरह करें, उसके बाद जब आप इसको करने लगें तो आप क्या करें कि नीम गर्म जो पानी है उसको पहले जो है इस्तेमाल करें, पहले उसको जो है ना 2 से 3 मिनट या 5 मिनट जो है ना उसको पहले धो लें उससे, ठीक है, नीम गर्म पानी से। उसके बाद जो है वो पानी जब खुश्क हो जाए तो उसके बाद जो है आप इसको सांडे के तेल को जो है यूज़ करें तो इंशाल्लाह आपके नफ्स के साइज़ में भी बहुत फ़र्क आएगा और आपके साइज़ जो नफ्स है उसकी मोटाई में भी काफ़ी जो है फ़र्क आएगा, क्योंकि जो प्योर सांडा है उसका जो है 110% पॉजिटिव जो है रिज़ल्ट है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया लेने का तरीका या उनसे तेल बनवाने का तरीका, तो वो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या चीज़ जो है वो ज़रूरी है, पूरे सांडे का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आप जब उसको यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि बात यह है ना कि अब आपको जो चीज़ मैंने बता दी है इसका कंसेप्ट उन्हीं को ही होता है जिनको इस चीज़ का टोटली आइडिया हो, क्योंकि वो जो है आपके तेल को ज़्यादा दिखाने के लिए कि आपके पास तेल जो है वो ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा मिकदार में, मिकदार को ना देखें आप ये देखें कि थोड़ा हो लेकिन चीज़ जो है वो साफ़ हो और वर्क करें, ठीक है। तो आप ये जब भी ये अगली दफ़ा ख़रीदें या जिस तरह भी तेल अगर बनाएं तो ये चीज़ों को ध्यान में रखें ताकि आपको उसका फ़ायदा हो। मुझे नेक्स्ट टाइम तक की वीडियो के लिए इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।